नमस्कार दोस्तों, मैं आर्किटेक्ट निदेश आपके अपने YouTube चैनल आर्ट स्पेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे 15 फुट बाय 50 फुट के घर के डिज़ाइन की, जिसमें से 15 फुट घर की चौड़ाई है और 50 फुट उसकी लंबाई है। एंड दोस्तों ये इस प्लान की डिटेल्स हैं, एक बार आप उसको देख लें जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि पूरे घर में कितना कवर्ड एरिया है, क्या क्या रूम्स प्रोवाइड किए गए हैं और टोटल घर बनाने में कितना कॉस्ट आएगा। एक बार हम पूरे घर का ओवरव्यू ले लेते हैं। एंड दोस्तों अगर किसी को डाउट है तो मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ कि ये एक एनिमेटेड वीडियो है एंड हम रेडी टू मूव हाउसेस नहीं बेचते। तो चलिए दोस्तों घर के अंदर की तरफ चलते हैं। एंट्रेंस पर ही हमने एक छोटा सा वाटरफॉल प्रोवाइड किया है। ये इसका पार्किंग स्पेस है। एंड इसके लेफ्ट हैंड साइड ये है 4x5 का पाउडर रूम, जो कि घर में आने वाले गेस्ट के लिए है। इससे आगे बढ़े तो ये आपको 14 फुट 3 इंच बाय 10 फुट का ड्राइंग रूम मिल जाता है। एंड ड्राइंग से आगे बढ़े तो साथ ही आपको मिलता है 14 फुट 3 इंच बाय 8 फुट का किचन। और इसकी वेंटिलेशन पीछे दिए गए कटआउट से हो रही है। और ये है इस घर का बेडरूम नंबर 1, जो कि 10 फुट 6 इंच बाय 10 फुट का है। और इसके साथ ही आपको 3 फुट 4.5 इंच बाय 10 फुट का कटआउट मिल जाता है, जहां से इन सबकी वेंटिलेशन होगी। आप चाहें तो स्पेस को यूटिलिटी के लिए भी यूज कर सकते हैं। एंड बेडरूम के साथ ही आपको मिल जाता है 6x5 का ड्रेसिंग एरिया। एंड ड्रेसिंग के साथ ही आपको मिलता है अटैच टॉयलेट, जो कि 7 फुट 10.5 बाय 5 फुट का है। चलिए दोस्तों अब इसके फर्स्ट फ्लोर पर चलते हैं। एंड दोस्तों अगर आपको अभी तक ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। फर्स्ट फ्लोर आते ही हमें मिलता है सामने पूजा स्पेस। और इसके लेफ्ट हैंड साइड हमें मिल जाता है लिविंग एरिया, जो कि 14 फुट 3 इंच बाय 10 फुट का है। और ये है इसका 5x8 का कॉमन टॉयलेट। लिविंग के साथ ही हमें ये मिलता है इसका स्टोर। और ये है इस घर का बेडरूम नंबर 2, जो कि 10 फुट 6 इंच बाय 10 फुट का है।
एंड इसके साथ ही अगेन ये है इसका 6x5 का ड्रेसिंग एरिया। एंड ड्रेसिंग के साथ ही अटैच हमें मिलता है इसका टॉयलेट, जो कि अगेन 7 फुट 10.5x5 फुट का है। एंड दोस्तों पूरे ही घर में अच्छे से वेंटिलेशन प्रोवाइड किया गया है। और ये है स्लाइडिंग डोर के साथ बेडरूम नंबर 3, जो कि 10x10.5x11 फुट का है। और ये है इसकी बालकनी। चलिए दोस्तों अब इसके सेकंड फ्लोर पर चलते हैं। और ये है इसका बेडरूम नंबर 4, जो कि 10x10.5x11 फुट का है। और ये है इसका टेरेस। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं कि आपको कैसी लगी एंड इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है। एंड दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी दबा दें। एंड दोस्तों इस हाउस के प्लान का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहें तो वहाँ पर जाकर इसको देख सकते हैं। वीडियो को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।